अगर इन्हें सोशल मीडिया का स्टार कहा जाए तो कम नहीं होगा। इनकी मुस्कान, इनका एयरपोर्ट वाला लुक हर बार वायरल होता रहता है। सोशल मीडिया पर इनकी पहचान दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। युवा इन्हें फॉलो करते हैं। ये सोशल मीडिया की क्वीन बन चुकी हैं। अब तो आप जान ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया की क्वीन बन चुकी उर्फी जावेद के बारे में हम बात कर रहे हैं। आज क्राइम तक के जरिए हम आपको बताएंगे कि उर्फी जावेद को धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद उर्फी जावेद ने ही किया है। हाल ही में उर्फी जावेद पुलिस के पास पहुंची थी। मुंबई पुलिस के पास पहुंचकर उर्फी जावेद ने आवेदन दिया कि उन्हें ईमेल के जरिए धमकी मिल रही है। ईमेल के जरिए उन्हें धमकाया जा रहा है कि उनका हाल ही में जो एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो एक नए लुक में नज़र आ रही हैं, उसे डिलीट कर दिया जाए, नहीं तो उन्हें बीच चौराहे गोलियों से भून दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहली बार उर्फी जावेद को ऐसे धमकी भरे कॉल्स या ईमेल्स आए हैं। इससे पहले भी उर्फी जावेद को काफ़ी धमकियां मिल चुकी हैं, जिसे लेकर वो पुलिस के पास पहुंची हैं और पुलिस ने बकायदा शिकायत भी दर्ज करवाई है। लेकिन इस बार जो धमकी मिली है उससे उर्फी जावेद काफ़ी डर गई हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में हेलोवीन पार्टी के लिए उन्होंने एक गेटअप लिया था जिसका लुक सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हुआ था। आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर दिख रही है ये वही तस्वीर है जो हाल ही में उर्फी जावेद ने जो गेटअप धारण किया था, ये वही वायरल हुआ था। इसमें भूल भुलैया फिल्म में राजपाल यादव ने जिस तरीके से जो कपड़े पहने थे छोटे पंडित के रोल में वो नज़र आए थे, ठीक उसी तरीके से उर्फी जावेद ने भी इसमें वो कपड़े पहने हैं और उसी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। और इस सोशल मीडिया के जरिए कई व्यूज़ भी आए हैं, इन्हें काफ़ी अच्छे खासे लोग इन्हें फॉलो करते हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ही इन्हें लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया। हालांकि इससे पहले भी इनकी ट्रोलिंग होती रही है, लेकिन ये जो ट्रोलिंग है और ये जो धमकी भरे कॉल्स हैं जिसके बाद उर्फी जावेद पुलिस के पास पहुंची हैं, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि उर्फी जावेद को इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद करीब दो ईमेल आए हैं। पहला ईमेल निखिल नाम के व्यक्ति ने किया। उसने बताया कि इस वीडियो को तुम डिलीट कर दो, नहीं तो तुम्हें जान से मारते हुए टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद एक और ईमेल आया जो कि एक रुपेश नाम के व्यक्ति का नाम था। उसने मेल किया और उसने उर्फी जावेद को कहा कि तुम हमारे धर्म को बदनाम कर रही हो, अगर तुमने जल्दी से इस वीडियो को डिलीट नहीं किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, बीच चौराहे तुम्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार देंगे। इसके बाद उर्फी जावेद ने भी अपना पक्ष रखते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, मैं इस देश में हैरान हूँ और स्तब्ध हूँ। मुझे एक फिल्म के एक किरदार को दोबारा बनाने यानी रिक्रिएट करने के लिए जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, जबकि उस किरदार यानी कि राजपाल यादव ने जो भूल भुलैया फिल्म में जो किरदार प्ले किया है उसको करने के दौरान उन्हें कोई धमकी नहीं मिली है। फिर उर्फी जावेद ने जब ये गेटअप लिया तब उन्हें इस तरीके से जान से मारने की धमकी मिली है। इसी को लेकर उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपना जो थॉट है वो शेयर किया। उन्होंने बताया कि वो अपने ही देश में इस तरीके से जो उन्हें धमकी मिल रही है उसे वो हैरान हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो जब भी पोस्ट डालती हैं तो उन्हें इस तरीके से जान से मारने की कई बार उन्हें रेप थ्रेट्स भी आए हैं, उस तरीके से लोग अपनी मानसिकता क्यों दिखाते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा उर्फी जावेद ने यह भी बताया कि जब उन्होंने इस ड्रेस को डिज़ाइन किया था तो उन्होंने ये हेलोवीन पार्टी के लिए डिज़ाइन किया था। हालांकि उर्फी जावेद ने बताया कि वो इस पार्टी में शामिल नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया पर इसी गेटअप में एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया जाए, क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया की स्टार कही जाने वाली उर्फी जावेद ने कई वीडियो इसी तरीके से पोस्ट किए हैं जिसमें वो खुद के आउटफिट खुद ही डिज़ाइन करती हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सनसनी मचाती हैं और उनके जो चाहने वाले हैं उसे पसंद करते हैं। हालांकि कई बार लोग उन पर उंगलियां भी उठाते हैं, लेकिन वो खुद को डिफेंड करती हैं और वो अच्छे तरीके से अपने को सोशल मीडिया पर प्रेजेंट करती हैं और अपने आप को बताती हैं कि वो आउटफिट डिज़ाइनर है और खुद ही अपने कपड़े डिज़ाइन करती हैं और इनके चाहने वाले इसी वजह से कई लाखों हैं। कभी ये रियलिटी शो में भी नज़र आती हैं, कभी टीवी सीरियल में भी नज़र आती हैं। उर्फी जावेद एक उम्दा अभिनेत्री भी है। अब देखना यह है कि उर्फी जावेद को जो ये अभी रिसेंटली जो धमकी भरे ईमेल आए हैं उस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि उर्फी जावेद को इससे पहले भी कई लोगों ने धमकियां दी हैं। इससे कई नामचीन हस्तियां भी हैं जो उर्फी जावेद से पंगा लेते रहते हैं उनके कपड़ों की वजह से। हालांकि उर्फी जावेद की जो एज है वो अभी काफ़ी कम है, उनके एज से जो बड़ी एज के जो लोग हैं
वो भी उर्फी जावेद को धमकी देते रहते हैं और दूसरी तरफ उन्हें अच्छे कपड़े पहनने की सलाह देते रहते हैं। इसी तरीके की न्यूज़ देखने के लिए आप बने रहिए क्राइम तक के साथ।